सलार 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 भाई, इस नाम ने इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी है कि अब वेट नहीं हो रहा है। और अब आज इन्होंने एक और ट्रेलर ड्रॉप किया है। पहले इन्होंने एक टीजर, फिर एक ट्रेलर और फिर एक और ट्रेलर। मतलब मूवी रिलीज के 3 दिन पहले कौन ट्रेलर रिलीज करता है भाई, पर इन्होंने किया है। और भाई क्या ड्रॉप किया है, बॉम्ब फोड़ा है। इस ट्रेलर में असली प्रभास का स्टारडम दिखा है दोस्त। और कहानी इस तरह से दिख रही है कि ट्रेलर 1 में दोनों की दोस्ती दिखाई गई, ट्रेलर 2 में भी दोस्ती दिखाई, पर ट्रेलर 2 का जब एंड होता है तो एक लाइन आती है, खान सर की कहानी तब बदली जब दो जिगरी दो कट्टर दुश्मन बन गए। इन दोनों के बीच में क्लैश भी हुआ, क्लैश ऑफ द टाइटन जिसे बोलते हैं, वो देखने को मिलेगा। और भाई ट्रेलर में अगर आप देखोगे श्रुति हसन इनका भी पार्ट है, जिसमें ऐसा दिख रहा है कि उनको कोई ये कहानी सुना रहा है। का मतलब KGF का अगर आप देखोगे तो KGF की कहानी भी रिपोर्टर ने सुनाई थी। तो यहाँ पे भी सिमिलर फॉर्मेट देखने को मिल रहा है। इस ट्रेलर का अगर आप नेम पढ़ोगे तो लिखा है सलार रिलीज एक्शन ट्रेलर। और भाई वो डिलीवर किया है, क्या गजब का डिलीवर किया है। मैं कहूंगा कि इसमें जो एक्शन दिखाया 2 मिनट के ट्रेलर में ऐसा लग रहा है कि भाई मूवी तो क्या ही होनी। ये ट्रेलर देखने ऐसा लग रहा है कि भाई मूवी आज ही रिलीज हो जाए तो मजा आ जाए। और प्रशांत नील भाई, प्रशांत नील ने भाई KGF को एक अलग लेवल दिया था, अब इसमें एक अलग लेवल दिख रहा है। जो एक्शन का जो वादा किया था, मेरे को लग रहा है वो डिलीवर होगा, बहुत शानदार तरीके से डिलीवर होगा और बहुत अच्छे लेवल पे डिलीवर करेंगे। अगर आप इसमें इसका CGI देखोगे, इसमें जो विजुअल इफेक्ट देखोगे तो भाई लग ही नहीं रहा है कि नकली है। जो इसमें खानसार दिखाया है भाई, गेम ऑफ थ्रोन्स वाली फील आ रही है। सिटाडेल अगर आपने देखा तो वैसी फील आ रही हो भाई। इन लोग का ड्रेसिंग सेंस एक नंबर का ड्रेसिंग सेंस, कोई भी देख लो आप, पृथ्वीराज को देख लो ट्रेलर 1 में, ट्रेलर 2 में प्रभास को देख लो आप। इनका जो स्टारडम है भाई, कितने शानदार जानदार तरीके से दिखाया है। अब आप ये देखो कि एक क्लैश ऑफ द टाइटंस मूवी में होने वाला है और एक क्लैश ऑफ टाइटंस आउटसाइड ऑफ थिएटर होने वाला है, क्योंकि डंकी भी रिलीज हो रही है, शाहरुख खान की मूवी डंकी। वो भी मोस्ट अवेटेड मूवी है, वो फैमिली मूवी है, ये आर रेटेड मूवी। पहले लोग कह रहे थे कि सलार आर रेटेड मूवी के मूवी वाले बंदों ने खेल खेल में आर रेटेड कर दी ताकि हाइप बढ़े, बट आप भाई इस ट्रेलर में देख लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आर रेटेड मूवी क्यों की है। अब देखते हैं कि 22 दिसंबर को क्या होता है, असली क्लैश ऑफ टाइटंस मूवी के अंदर होता है कि मूवी के बाहर होता है। थैंक यू।